जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आज पहुंच रहे हैं। जिनपिंग का ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान बीजिंग में ही है। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात तमिलनाडु के महाबलीपुरम में होगी और इसी पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11 अक्टूबर यानी कि कल दो दिन की भारत यात्रा पर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान से तनातनी के बीच ये पहला मौका है जब जिनपिंग भारत में होंगे, तो नरेंद्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चीनी राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा होगी। हालांकि दो दिन के दौरे में भारत चीन के बीच कोई बड़ा करार होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की इनफॉर्मल विजिट है, इसमें कोई निश्चित एजेंडे पर बात नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान न ही कोई समझौता होगा, न ही कोई एमओयू साइन किया जाएगा। ये यात्रा पूरी तरह से इनफॉर्मल रहने वाली है। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग में 1-to-1 बातचीत होगी, जिसमें बॉर्डर पर शांति, पीपल टू पीपल कनेक्ट पर फोकस होगा। दोनों नेता इसी बैठक में विशेष प्रतिनिधि वार्ता की तारीख तय कर सकते हैं, क्योंकि जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच होने वाली ये इनफॉर्मल बैठक चेन्नई में होगी। 11 और 12 अक्टूबर को दोनों नेता कई बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। इस दौरान मोदी जिनपिंग मल्लपुरम के मंदिर जाएंगे और आसपास के क्षेत्रों का दौरा करेंगे। चीनी राष्ट्रपति के साथ इस दौरे में चीन के विदेश मंत्री भी भारत आएंगे। भारत और चीन के बीच इस प्रकार की समिट दूसरी बार हो रही है, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख बिना किसी निर्धारित एजेंडे के मिल रहे हैं। इससे पहले 27-28 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के वुहान राज्य में पहुंचे थे। तब भी दोनों नेताओं ने किसी निश्चित एजेंडे पर बात नहीं की थी। उस वक्त भारत चीन के बीच डोकलाम विवाद चल रहा था। गौरतलब है कि चीन और भारत के बीच इन दिनों काफी मसलों पर बातचीत चल रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर के मसले पर चीन का पाकिस्तान को समर्थन देना हो या फिर अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड वॉर को लेकर बात हो, दोनों देश कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।